छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। एनएमएनएम ओरिजिनल। अरे कैसे हो बच्चों, पहचाना नहीं क्या आवाज से? अरे मैं ये देखो, हाँ मैं सिलाई मशीन। अरे आपने जो कुछ भी पहना है अपने ये बॉडी के ऊपर, ये जो कपड़े हैं ना, अरे मैंने ही तो सिए हैं। हजी नुक्कड़ वाले दर्जी से लेकर बड़े से बड़े फैशन डिजाइनर तक सब मुझ पर ही तो सीते आए हैं। और ऐसी ही सिलाई मशीन पर बैठती थी एक माँ। तो आज मदर्स डे की खुशी में एक माँ की कहानी हो जाए सिलाई मशीन की जुबानी। आदाब। कहता है ना, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। लेकिन चिंटू की अम्मी फातिमा आपा के स्वर्ग से चरण हमेशा मुझ पर होते थे। यार सही समझे आप, शिवाजी टेलर। अजी जब से फातिमा आपा के शोहर का इंतकाल हुआ था, वो अपने इकलौते बेटे चिंटू को अकेले ही पाल रही थी। क्या दिन क्या रात, हमेशा मुझ में एक से एक डिजाइनर ड्रेसेस सिलती, फिर कस्टमर्स को खुद डिलीवर भी करती और पैसे कमाती। अरे मेरे सामने की बात है, एक दिन चिंटू कॉलेज से लौटा, अपनी साइकिल बाहर पार्क की और अंदर आके लड़ने लगा अपनी अम्मी से। अम्मी मैं कल से साइकिल पे कॉलेज नहीं जाऊंगा, अरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे, इससे अच्छा तो मैं कॉलेज ही ना जाऊं। फातिमा आपा बेचारी सोच में पड़ गई। वैसे तो इतने सालों से मुझ में कपड़े सी सी कर इतनी सेविंग तो कर ली थी उन्होंने कि चिंटू की ये जिद पूरी कर सके, मगर फिर भी एक नया स्कूटर खरीदना, अरे आखिर कोई छोटी बात थोड़ी होती है, आप तो समझते हैं। इसलिए उन्होंने भी वही किया जो हर माँ करती है जब उनका बच्चा कोई बेकार की जिद करता है, इग्नोर। लेकिन चिंटू भी डटा रहा माँ से लड़ाई करने में और माँ डटी रही सिलाई में। फ्रस्ट्रेट होकर चिंटू ने कह डाला, अरे अम्मी आप सुन भी रही हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? फातिमा आपा ने सारे सिलाई हुए कपड़ों को बैग में भरा और कहा, ये कपड़े डिलीवर करके आती हूँ बेटा, फिर आराम से बैठ के बात करती हूँ। उदास बैठा चिंटू पढ़ाई करने लगा। फातिमा आपा अपने रूटीन के हिसाब से कपड़ों से भरा बैग लेके घर से निकली, कस्टमर्स को डिलीवर किया, नए कस्टमर्स का नाप लिया और रात तक घर वापस लौट आई। फातिमा अपना कोई भी काम चिंटू से नहीं करवाती, ना ही कपड़े डिलीवरी का और ना ही सिलाई का, क्योंकि वो चाहती थी कि चिंटू का सारा ध्यान सिर्फ उसकी पढ़ाई पर रहे, वो इतना पढ़े कि उन्हें फिर कभी काम करने की जरूरत ना पड़े। तो दिन भर की थकी हारी फातिमा रात को घर वापस लौटी तो चिंटू की सुई भी ना बाय गॉड वहीं अटक गई, जैसे मैं अटक जाता हूँ ऐसे देखो। आ, 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 आ। अरे अम्मी, अरे एक स्कूटर ही तो मांग रहा हूँ ना आपसे, अरे मेरे सारे दोस्तों के पास है। प्लीज ना अम्मी, जिद भी नहीं कर रहा हूँ, अरे कॉलेज ट्यूशन एग्जाम भी तो देने जाना है यार, मैं हर जगह साइकिल से नहीं जाऊंगा अम्मी, प्लीज ना अम्मी। अपनी अम्मी को टस से मस ना होते देख चिंटू ने वो कह डाला जो से शायद कहना नहीं चाहिए था। आज अगर अब्बा होते ना तो मुझे स्कूटर की कमी नहीं होती। बेचारी फातिमा, उन्होंने आज तक कभी चिंटू को पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, तो इस बार कैसे होने देती? समझाते हुए बोली चिंटू से, बेटा जिद क्यों कर रहा है, चलो माना अगर स्कूटर ले भी लिया तो पेट्रोल का खर्चा कहाँ से उठाएंगे, जानता है कितनी महंगाई हो गई है। अरे अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, मेरी भोली अम्मी, अरे फिकर मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है, हम ई बाइक लेंगे, पेट्रोल भराने का झंझट ही नहीं। बच्चे की लगातार जिद के आगे अम्मी आखिर हार ही गई, मुस्कुरा कर बोली, अच्छा बाबा ठीक है, कल चलेंगे शोरूम और पसंद कर लेंगे तेरे लिए एक स्कूटर, खुश? ये सुनते से ही चिंटू ने तुरंत ही अपने कॉलेज का बैग खोला और निकाल कर दिखा दिया ई स्कूटर का कैटलॉग और बैग पटक दिया मेरे सर पे, मैनरलेस। उस रात मारे खुशी के नींद ना ही चिंटू को, और अपने बेटे को इतना खुश देखकर ना फातिमा जी की आंखें भी भर आईं। अगले दिन वक्त से पहले ही उठ गया चिंटू, सुबह नहा धोकर हमेशा की तरह गीला तौलिया मुझ पर सुखा दिया, मैनरलेस। दोनों शोरूम जाकर चटकलाल सुंदर चमचमाता नया स्कूटर घर ले आए
और मेरे सर पर चाबी रखकर बड़े ही सुकून से सो गए दोनों। चिंटू तो नींद में ही चलाने लगा अपना नया स्कूटर। थोड़ी देर में फातिमा जी ने मेरी नाक में धागा पिरोया और कर दिया अपना काम स्टार्ट। चिंटू रेडी होकर खुशी खुशी कॉलेज चला गया। न जाने कितने सालों बाद आज कहीं जाते वक्त अपनी माँ को ढंग से गुड बाय कहकर गया चिंटू, वरना रोज तो ऐसे ही भाग जाता था, मुड़कर देखता भी नहीं माँ की तरफ। बदतमीज बेटे को इतना खुश देखकर फातिमा के अंदर भी अलग सी एनर्जी भर गई। बड़ी स्पीड से उन्होंने चलाया मुझे, जैसे मेरे अंदर नाइट्रो इंजन लगा, और उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी ने मेरी सारी एनर्जी निकाल दी। देखो कुछ घंटे कपड़े सीने के बाद सारे कपड़ों को बैग में डालकर वो डिलीवरी करने बाहर गई, तो क्या देखा, वो नई लाल स्कूटर तो बाहर ही खड़ी थी और साइकिल नहीं थी वहां। अरे स्कूटर के नजदीक जाने पर फातिमा को एक कार्ड मिला जिसमें चिंटू की ही बड़ी गंदी सी हैंडराइटिंग में लिखा था, अम्मी मेरा कॉलेज तो पास में ही है, साइकिल से ही चला जाऊंगा, अगर कोई हंसे तो हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप जो बस से रोज ड्रेसेस डिलीवर करने जाते हो वो बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए ये स्कूटी आपके लिए। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, उन्होंने हंसते हुए कहा, नौटंकी कहेगा, और आगे पढ़ने लगी। अरे अम्मी अगर मैं ये नौटंकी ना करता ना तो आप अपने लिए स्कूटर कभी नहीं लेते, क्योंकि आप तो माँ हो ना, और माँ अपने लिए कहाँ कभी कुछ करती है। आपने कभी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, देखना एक दिन मैं भी नहीं होने दूंगा। हैप्पी मदर्स डे टू द बेस्ट 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 अम्मी इन द वर्ल्ड। अरे अब रोना बंद करो और जाओ जल्दी, ड्रेसेस डिलीवर नहीं करने हैं क्या, EMI भरनी है हर महीने स्कूटर की, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? तो आज आप भी अपनी मदर, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ या हर वो शख्स जो आपको माँ की तरह प्यार करता है, उनके साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करें, उनकी हर विश पूरी करने में उनकी हेल्प करें, और हाँ पास के टेलर महाशय के पास जाएं और मुझ पर एक बढ़िया सा ड्रेस सिलवाएं अपनी अम्मी के लिए। हैप्पी मदर्स डे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। M&M ओरिजिनल। दिस शो इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। एनी नेम्स, कैरेक्टर्स, प्लेसेस एंड इंसिडेंट्स आर आइदर प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रिएटर्स इमेजिनेशन और यूज फिक्टिशियसली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listener's discretion is advised.